सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि मनीष का असली गुनहगार अब सामने जो आ जाएगा। वाल इतने दिनों से बेचारी नायरा इस गिल्ट में है कि उसकी वजह से आज मनीष के ये हालात हो चुके हैं, लेकिन असल में ये एक्सीडेंट भले ही नायरा से हुआ हो, पर इसके पीछे वजह कुछ और ही थी। उस दिन भले ही मनीष नायरा के साथ गाड़ी में जा रहा था और नायरा ड्राइव कर रही थी, लेकिन सामने से आने वाला शख्स जिसने नायरा की गाड़ी का एक्सीडेंट किया वो कोई और ही था, जिसकी असल में गलती थी। वेल, यहाँ पर आप देखने वाले हैं कीर्ति और नक्श के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि यहाँ पर नक्श को कीर्ति पर हो जाएगा शक कि जरूर कीर्ति कुछ ना कुछ छिपा रही है, और जब नक्श बात की तह तक जाएगा तब उसे ये मालूम पड़ेगा कि असल में कीर्ति ही असली गुनहगार है। जी हाँ, सही सुना आपने, जो हड़बड़ाहट, जो चेहरे पर तनाव आप देख रहे हैं इन दिनों कीर्ति के, असल में वो हड़बड़ाहट और तनाव इसीलिए है क्योंकि कीर्ति बहुत अच्छे से जानती है उस दिन नायरा और मनीष का एक्सीडेंट उसी के हाथों हुआ था। अब ये बात जब नक्श को पता लगेगी तो नक्श कीर्ति को खूब खरी खोटी सुनाएगा। उससे कहेगा कि जब नायरा पर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे तब कीर्ति क्यों चुप थी, क्यों उसने नायरा के लिए आवाज़ नहीं उठाई। वेल, इसी के साथ अब शुरू होने वाला है ये रिश्ता की कहानी में ढेर सारा ड्रामा भी। नक्श लेकर आएगा उस दिन की पूरी सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ तौर पर ये सामने आ जाएगा कि कीर्ति ही उस दिन ड्राइव कर रही थी। कीर्ति की ही वो गाड़ी थी जिससे नायरा और मनीष की गाड़ी की टक्कर हुई और मनीष आज इन हालातों में है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब कहानी में क्या हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिलता है। For all the latest serial updates, celebrity news and views, please subscribe Serial Khabri and hit the bell icon.